अलैकुम चैनल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में खुश हमदीद आज की वीडियो में हम बलूम टेक्सानोमी और जो सोलो टेक्सानोमी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिवज़ अकॉर्डिंग टू बलूम टेक्सानोमी एनालाइजिंग रिमेंबरिंग एवेलुएटिंग और क्रिएटिंग तो जो नॉलेज लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें से है वो है रिमेंबरिंग ठीक है ये फर्स्ट जो उसमें ऑब्जेक्टिव आता है बलूम टेक्सानोमी में उसका है सेकेंड है क्वेश्चन एट विच लेवल ऑफ बलूम टेक्सानोमी वॉड यू प्लेस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट आइडेंटिफाई का वर्ड जो है ये भी रेफर करता है अंडरस्टैंडिंग को तो इसका आंसर जो है वो भी बनेगा अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन है बी जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन एजुकेशनल टेक्सानोमीज़ अफेक्टिव डोमेन जो है वो इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है नॉलेज रिटेंशन से इमोशनल रिस्पॉन्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग से या क्रिटिकल थिं थिंकिंग से अफेक्टिव डोमेन जो है ये डील करता है इमोशनल रिस्पॉन्स को तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा ठीक है इसलिए के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं थ्री एच हैड हार्ट एंड हैंड हेड जो है ब्रेन के साथ उसका तल्लुक होता है तो उसको हम कहते हैं ये नॉलेज लेवल है सेकेंड हार्ट उसका आपकी पसंद नापसंद इमोशंस के साथ अलग होता है वो अफेक्टिव डोमेन है थर्ड है हैंड वो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड होता है तो उसको हम कहते हैं हैंड वो होता है साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फोर है इन दॉग्नेटिव डोम ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी विच लेवल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन ठीक है जो आपने जो कोई सीखा है उसको नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना उसको हम क्या कहते हैं उसको हम अप्लाइंग कहते हैं ब्लूम टेक्स इकानी के जो नॉलेज है उसके टोटल जो फेज़ होते हैं सबसे पहला फेज़ होता है उसका नॉलेज उसमें चीज़ों को मेमोराइज़ करना याद करना मतलब जिस तरह आपने कोई चीज़ याद की हुई है वो आ जाती है जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का दूसरा लॉस सुना है सेकेंड होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग या कम्प्रिहशन कि उसकी वजहत भी कर सकना कि न्यूटन के सेकेंड कानून जो ला है उसकी वजाहत करें उसको एक्सप्लेन करें थर्ड होता है उसको अप्लाई करना सोसाइटी के अंदर ठीक है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से आप एग्जांपल दें ठीक है तो वो अप्लाई अप्लीकेशन लेवल आ जाता है तो ये थर्ड इसमें आ जाएगा अप्लाइंग करना क्वेश्चन नंबर फाइव है विच एजुकेशनल टेक्सानोमी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइको मोटर स्किल्स बलूम टेक्सानोमी क्रैथोल टेक्सानोमी सिम्सन टैक्सानोमी या हारोज तो ये थर्ड डोमेन जो है जो सिमसन ने बनाया था वो साइको मोटर डोमेन ठीक है तो वो साइको मोटर स्किल को डील करता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये हमारी टेस्ट सीरीज़ में से क्वेश्चन है अगर आप वो शामिल होना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ में तो आप कमेंट करें आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं अल्लाह हाफ